अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वो सारी माएँ जो बच्चों को स्कूल भेज के यहाँ बैठ गई, उन सबको वेलकम करती हूँ। हाँ भाई, आज बहुत रश था रस्ते में। स्कूल के काफ़ी स्कूल्स के पहले दिन थे और उससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो बहुत सारी माएँ जिनको आदत हो गई थी सुबह सोने की और रिपीट में मेरा शो देख रही होती थी, चलो मुझे व्यूअरशिप मिली है उनकी, दोबारा वापस वेलकम बैक अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ। रोज़ सुबह उठना, बच्चों को स्कूल भेजना, वो क्या सुबह सुबह मचना और उसके बाद नींद भाग जाना, क्या करें भाई। अब तो मासी बेगम आएंगी तो उनसे काम करवाएंगे ना। वैसे इस दौरान जब शो चल रहा होता, मैंने नोट किया, जब शो पे बड़ी खट्टी मीठी बातें होती हैं, गॉसिप होती है, तो आपका जो ध्यान है शो की तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है, मुझे पता है, क्योंकि हर औरत को ना खट्टी मीठी जायकों से बड़ा इंटरेस्ट होता है। अब जैसे पकौड़े बनाए हैं और अगर उसके साथ खट्टी मीठी चटनी ना बने तो क्या मज़ा है ज़िंदगी का प्यारे। पड़ोसन के पास आप मिलने मिलाने जाएं और उसके पास कोई खट्टी मीठी गॉसिप ना हो तो कोई मज़ा नहीं आता उसकी कंपनी का। हम हमेशा वही का रुख करते हैं जहाँ हमें खट्टी मीठी बातें, जहाँ हमें खट्टी मीठे जायके मिलने का वो कहते हैं ना कि पता होता है कि यहाँ जाएंगे तो बोरियत नहीं होगी। मेरी तो बोरियत दूर होती है खट्टी मीठी चीज़ें खाकर। अब मैं अगर डाइट पर भी हूँ ना तो मैं फ्रूट के ऊपर भी कुछ खट्टी मीठी चाट मसाले डाल के खाती हूँ ताकि वो जो एलिमेंट खटास मिठास का मुझे चाहिए वो मुझे वहाँ से मिल जाए। सो आप अलग अलग चीज़ों में खटास और मिठास ढूंढते हैं। बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ सिर्फ आपको कड़वा कड़वा या कभी कभार मिठास नज़र आती है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जहाँ खटास भी है और मिठास भी है और उस रिश्ते से आप सारी ज़िंदगी बंधे रहते हैं, वो है आपकी माँ का रिश्ता। माँ का रिश्ता ऐसा है कि माँ दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा, जितनी डांटे आपकी माँ से आपने खाई हैं आपने किसी और से नहीं खाई होंगी, जितने चपेड़े आपने अपनी अम्मा से खाई हैं किसी से नहीं खाई होंगी, लिखताने तुसने कोसने पता नहीं क्या 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 करेगी दूसरे घर फलाना ये वो, कितनी चीज़ें आपने उनसे सीखी हैं, कितनी चीज़ें आपने उनकी सुनी हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसा होता है कि जैसे उनके बगैर रहना नामुमकिन है। नहीं होती तो रह भी लेते हैं, हम भी तो जी रहे हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी यादें, उनका हक करना, उनसे उनसे बात करना, उनसे अपनी भड़ास निकालना, ये सारी चीज़ें हर कदम पे हर मिनट में मिस करते हैं हम लोग। सो माँ का और बेटी का रिश्ता बड़ा यूनिक होता है, ख़ासतौर पे माएँ जो है ना, अगर वो बेटों को भी नहीं छोड़ती, बेटों को भी फुल पिटाइयाँ लगती हैं ताकि वो सुधर जाए, लेकिन ये ऐसा खट्टा मीठा रिश्ता है ना माँ का कि उनकी कड़वी बातें भी आपको जायकेदार लगती हैं। जब तक आपको चार बातें पढ़े ना ना दिन में तो आपको सुकून नहीं आता। आप सोचें जब माँ को चुपकी लग जाती है या माँ किसी बात पर आपसे नाराज़ हो जाती है तो सुकून नहीं आता कि डांटें मारें कहें लेकिन चुप ना रहें। सो माँ का रिश्ता ऐसा होता है, खटास और मिठास से भरपूर। सारी दुनिया के रिश्ते एक तरफ, आई डोंट नो, जितनी हुड़क मुझे अपनी अम्मी की होती है मुझे और शायद अपनी औलाद के अलावा किसी की नहीं होती। औलाद का तो अल्लाह ताला ने रिश्ता ऐसा बनाया है कि बेगर्ज शायद औलाद माँ से उतना प्यार नहीं करती जितनी माँ औलाद से प्यार करती है। ये मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में कि जिस तरह नहीं होता कि औलाद, अगर मैं ज़रा सा भी कहीं दूर होती तो मुझे कैसे अपनी हुड़क होती है औलाद की, उसी तरह अब अम्मी नहीं है तो उनकी हुड़क होती है। सो माँ बेटी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। मैं उसकी जितनी तारीफ़ करूँ, जितना भी मैं उसको डिस्क्राइब करूँ, मुझे नहीं लगता कि वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे जो मुझे वहाँ देख रहे हैं वो मुझसे मुत्तफिक होंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हम तो अपने अब्बू से ज़्यादा करीब हैं। लड़कियों को अक्सर लगता है कि अपने फादर्स से करीब हैं और शायद एक ज़माने में मुझे भी लगता था, लेकिन आपको बाद में एहसास होता है कि नहीं यार, अम्मी की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता, अम्मी तो अम्मी है भाई। सो आज यही प्यारा खूबसूरत रिश्ता हम डिस्क्राइब करेंगे। मैं वक्तन फवक्तन बड़ा एकदम मुझे हुड़क होती है कि यार इस रिश्ते को डिस्कस करना है शो पे, इस रिश्ते को ट्रिब्यूट देना है। सो आज कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसी हैं जिनकी बेटियों को आपने कभी नहीं देखा हमारे शो पे या शायद कभी कभार देखा भी होगा। सो आइए उन सेलिब्रिटीज़ की एक्चुअल असल बेटियाँ जो ड्रामों में नहीं
उनकी असल रियल लाइफ में हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the ARY Digital YouTube channel.